अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं डिश न्यूज़ इन्फो। उम्मीद है आप सारे दोस्त जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल डिश न्यूज़ इन्फो को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बग़ैर सब्सक्राइब किए वीडियोज़ देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब का जो बटन आपको रेड नज़र आ रहा है इसके ऊपर प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद फिर एक ऑप्शन आएगा बेल आइकॉन का, उसके ऊपर क्लिक करके आल पे सेट कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहें। अब जो है बकायदा अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अक्सर आप दोस्तों ने देखा होगा कि HD ARY डिजिटल HD जो है वो आपके रिसीवर में नहीं चल रहा। जो हमारी बहनें हैं जिनको मुश्किल हो रही है चलाने में, तो वो आप खुद ही उनको सेटिंग बताएंगे, इंशाल्लाह उस सेटिंग से वो कर पाएंगी, इसको जो है चला पाएंगी ARY डिजिटल को। बहुत आसान है, छोटा सा प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करेंगे, ट्यून करेंगे, आपके पास ARY डिजिटल HD जो है चल जाएगा। तो बिना ताखिर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसकी कोई और फीड है। तो सबसे पहले जो नोट करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि आप ओके का बटन दबाएं। ओके का बटन दबाने के बाद ये ऊपर देखें सैटेलाइट, ये देख लें, इसका Asia 3 होना बहुत ज़रूरी है। या अगर आपको ये आल लिखा हुआ यहाँ नज़र आता है, ये देखें, अगर आल लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक हो गया, ऊपर आल लिखा हुआ नज़र आता है, तो ये जो वॉल्यूम बटन है आगे पीछे, इससे आप जो है सैटेलाइट को आगे पीछे कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें, इसे चेंज करेंगे, आपने सैटेलाइट ढूंढनी है जहाँ पे ARY डिजिटल आपका चल रहा है। अब ये देखें Asia 3 ऐसे आपको मालूम हो गया। अब आपने यहाँ एक और चीज़ मालूम करनी है, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये जो ट्रांसपोंडर है, ये आपने इसका याद रखना है 4060 वर्टिकल 26666। ये बहुत आसान तरीका है, आप इसको फॉलो करके अपना ARY डिजिटल चला सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेन्यू जो है वो रिमोट पे मौजूद होता है, मैं आपको मेन्यू का बटन दिखा देता हूँ। ये मेन्यू का बटन होता है, ये इन्फो का बटन है, आई वाले बटन के बिल्कुल सामने, ये रहा मेन्यू का बटन इन्फो के सामने, या रेड लाइन के रेड बटन के नीचे पहली दूसरी तीसरी और चौथी लाइन में ये मेन्यू का बटन है, ये वाला दबाना है, ये मेन्यू वाला बटन दबाना है। जैसे दबाएंगे तो ये पहले पहले इंटरफेस आपके पास आ जाएगा इंस्टॉलेशन का। अब इंस्टॉलेशन में एंटीना सेटिंग है, मोटर सेटिंग है, सैटेलाइट है और टीपी लिस्ट है। आपने किसी और चीज़ में नहीं जाना, टीपी लिस्ट में चले जाना है। टीपी लिस्ट में जाने के बाद ये देखें, हमारी मतलूबा जो सैटेलाइट है वो कुछ और है, यानी यहाँ नाइल सेट लिखा हुआ है और हमें एशिया चाहिए। अब यहाँ पे दो ग्रीन बटन आपको नज़र आ रहे होंगे कि आप इसको, यानी बैक और आगे पीछे, जिससे आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा करते हैं वो वाले बटन उनका यूज़ कर सकते हैं। आपने चेंज करना है वॉल्यूम बटन से, इस वाले बटन पर चेंज करना है इसको, ये देखें आपको यहाँ एशिया मिल गया है, ठीक हो गया, पाँचवें नंबर पे सैटेलाइट है आपकी Asia 3S। अब आपने यहाँ वो ट्रांसपोंडर ढूंढना है जो हमने पीछे देखा था 4060 वाला, तो आप ऊपर नीचे वाले बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें साइड में एक ब्रैकेट बनी हुई है, इसमें आप ऊपर नीचे, जिससे आप चैनल कम या ज़्यादा करते हैं वो वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसीज को जो है चेंज कर सकेंगे। अब हमने वही मतलूब आपने फ्रीक्वेंसी तलाश करनी है जिसकी हमने यहाँ ट्यूनिंग कर, आपके पास 22 नंबर पे आ रही है। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे नीला बटन जो है, ब्लू बटन रिमोट पे मौजूद होगा, वो भी प्रेस कर सकते, जो है वो प्रेस कर देना, रिमोट के ऊपर ऊपर होता है, ये रहा, ये ब्लू बटन है, इसको आपने प्रेस कर देना। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ गया FTA ओनली, सबसे पहले आपने ऊपर आ जाना है, FTA ओनली को यस कर लेना है, टीवी रेडियो को टीवी कर लेना है और नीचे सर्च पे आके ओके का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे अब ये स्कैनिंग आपके पास जो है स्टार्ट हो चुकी है, ये स्कैन हो चुके हैं। अब हम इसको जो है ओके कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं डेटा। सेव करने के बाद हमने एग्जिट करना है और इस मेन्यू से वापस पीछे चले जाना है। जैसे ही आप पीछे चले जाएंगे ओके का बटन प्रेस करने के बाद एंड में जाएँ, ये देखें 12 नंबर पर हमें यहाँ मिल रहा है ARY डिजिटल Asia HD। तो मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारा ARY डिजिटल HD जो है वो चल चुका है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह आप अपना ARY चला सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।